कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 10:30 बजे कर दी है। मुरादाबाद में भी इसके लिए 6 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। पिछले 1 साल से कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे देश के लोगों को आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आज सुबह ठीक 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश देते हुए कहा कि इसका श्रेय देश के वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने कम समय में स्वदेशी टीका बनाकर एक इतिहास रच दिया है। इसके लिए आज से फ्रंट वॉरियर्स को टीका लगाना शुरू हो गया है। मुरादाबाद में भी इसके लिए कुल 6 सेंटर बनाए गए हैं। जिला अस्पताल के मेन सेंटर पर पहुंचे डीएम राकेश कुमार सिंह ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की और फिर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बाद हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण शुरू हो गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर उसमें खासा उत्साह नजर आया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए धन्यवाद भी दिया और देश के आम नागरिकों को सहमित होकर टीका लगवाने का संदेश भी दिया। वहीं डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलारी ठाकुर द्वारा सहित जनपद में कुल 6 सेंटर बने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत मुरादाबाद में भी हमारे 6 केंद्रों पर टीकाकरण का शुभारम्भ किया गया है। इसमें से हमारा जिला अस्पताल है, जिला महिला अस्पताल है, विवेकानंद है, TMU है और ठाकुर द्वारा CHC है और बिलारी CHC है। इन 6 केंद्रों पर हमारे जो है हेल्थ कर्मियों का टीकाकरण आज जो है प्रारंभ किया गया है। देखिए, जो टोटल टारगेट है करीब 19,000 स्वास्थ्य कर्मियों को फर्स्ट फेज में टीके लगेंगे और उसके लिए आवश्यक वैक्सीन वगैरह उपलब्ध हो गई है। स्वास्थ्य केंद्रों पर समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। वहां पे जो भी इसका SOP था, जो प्रोटोकॉल था, उसके तहत हम लोगों ने पूरी व्यवस्था जो है की है, जिसमें सबसे पहले जो हमारे हेल्थ कर्मी आएंगे वो वेटिंग एरिया में बैठेंगे, वहां से फिर वो टीकाकरण कक्ष में जाएंगे और इसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन कक्ष में बैठेंगे और फिर आधे घंटे बाद जो है वो अपने कार्य करेंगे।